इज ए सेइंग, कष्टस्य सुखस्य न कोऽपि दाता, देयर इज नो गिवर ऑफ हैप्पीनेस और मिजरी टू यू बोथ. योर मिजरी कम्स टू यू नॉट बिकॉज गॉड वॉन्ट्स टू पनिश यू और टेस्ट यू. मिजरी कम्स बिकॉज ऑफ कर्मा. एंड योर हैप्पीनेस कम्स टू बिकॉज ऑफ अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड. दिस इज फ्रॉम ग्रेस, अनुग्रह, ब्लेसिंग्स. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. द फिलोसफी ऑफ कर्मा इज स्टुपेंडस, इट्स अनफैदमेबल, एंड इट इज द मोस्ट साइंटिफिक एंड यूजफुल थिंग इन लाइफ. इट सेव्स योर माइंड. If you understand the theory of karma, even a little bit, it uplifts your spirit, does not let it dampen by things happening around you. नहीं तो हमारे चारों ओर छोटी सी कोई बात हो जाती है तो हवा निकल जाती है हमारे से, पंक्चर हो जाता हमारा टायर. छोटी सी घटना हो जाती है, कोई दो चार गालियां सुननी पड़ी किसी से, बस हम गए काम से. अरे भाई तुम्हारा कर्म की वजह से तुम्हें पता नहीं तुमने कितने गाली किसको कब दिया किस जन्म में, अभी वापस आ रहे हैं थोड़े बहुत. इस दृष्टिकोण से देखो, उसको स्वीकार कर लोगे तो मन एकदम ताजगी में बनी रहती है, फूल जैसे खिली रहती, तुम ऊपर ही रहते हो, उठे रहते हो कीचड़ से. यदि ये बात नहीं है तो हम ये समझते हैं देखो उसने किया इसने किया ये है, मैं अच्छा हूं ये सब बुरे हैं, इसी धारणा तुम धसते जाओगे धरती में. ये बड़ी बुद्धिमत्ता की बात है. जो बुरा हमारे साथ होता है वो अपने कर्म से, जो भला होता है वो मेहर से, ईश्वर की मेहर से. ये धारणा आपको ऐसे थामे रखेगी, ऊपर रखेगी, आप में चमक बनाए रखेगी. ये धारणा छोड़ के ये सोचोगे जो मैंने पाया ये मेरा अधिकार है, मैं सुखी हूं तो ये मेरा अधिकार है, जो दुख है ना इंसाफी है, अन्याय हो रहा है मेरे साथ इसलिए मुझे दुख मिल रहा. ये जो धारणा है ये तुम्हारे भीतर ऐसी नकारात्मकता को भर देती है. होता है कि नहीं? हाँ? फिर तुम धसती चले जाओगे, इससे तुम्हें मिलता कुछ नहीं है. बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेंगे, अपने आप को ऊपर रखेंगे इन चीजों से. अच्छा ये भी नहीं, अच्छा मेरे कर्म है भाई, जो भी मेरे को लात मार रहे मारने दो, मैं बैठे रहूं, ऐसा ये भी नहीं. कोई लात मार रहा है तुम्हें, एक मारना तो मारो, रिलीफ मिल गया देखो बड़ा. मगर अपनी चेतना में गुस्सा दुख ये सब लेकर के मारना नहीं. अपनी चेतना पानी से ऊपर है और डूबने से बच गई, अपनी चेतना खिली हुई है तब मारो. पता है मारने का अधिकार किसको है, जो मस्त है. मस्त व्यक्ति एक तप्पड़ मारता है किसी को, उससे लाभ ही लाभ है. और दुखी व्यक्ति, क्रोधित व्यक्ति किसी को थप्पड़ मारता है, उस थप्पड़ से खुद को ही नुकसान है. दूसरे को तो जो है सो है, जो मारने वाला उसको खुद नुकसान पाता है. इसलिए मैं ये कहता हूं कि तुम लड़ना हो तो लड़ो, मगर वो लड़ाई को अपने भीतर मत बसाओ, तब तुम नकारात्मक में भर जाते हो. ये धर्म युद्ध है. महाभारत में इसका इतना उल्लेख है, दिन में लड़ते थे, शाम को जाके पता लगाते थे उनसे, अरे भाई क्या हुआ, किस क्या हाल है, तुम अभी जिंदा हो जीवित हो, कौन मर गया क्या है. इसी को कहते पद्म पत्र मीमांसा, कमल के जो पत्ते जैसे, पत्ते पानी में है, पत्ते के ऊपर पानी है,
फिर भी पत्ता, कमल का जो पत्ता है वो पानी से अछूता रहता है। यदि ये चीज हमें जीवन में आ जाए, बस जीत गए, मन जीते जग जीत। ये ना करके हम क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके इतना क्रोधित होते हैं, या गुस्से में आ गए गिव अप। अरे गुस्से में गिव अप की नहीं, इट इज ऑल योर्स एनीवे, ये करना है। आई गिव अप, गिव अप। अभी मैं ऊपर दे देता हूँ, ऊपर देना क्या है, ऊपर से ही सब कुछ मिला है। अपनी चेतना को ऐसे रखो बिल्कुल पद्म पत्र जैसे, कमल के पत्ते जैसे, है ना। संसार को छोड़ के भागना नहीं, संसार में रहते हुए सब तरह के लोगों के बीच में बातचीत करते हुए, नहीं तुम क्या कहता रहे उसको नहीं बात करेंगे, इसे मुंह फिर लेते किसी से, ठीक है उनसे बात करने से कोई प्रयोजन नहीं, फिर भी करो। ऐसा लगता है इससे बात करके कोई फायदा नहीं, अपना करते जाओ क्या है। ये इसके लिए हिम्मत जुटाना पड़ेगा हमें, क्या हिम्मत जुटानी पड़ेगी, यही तो हिम्मत है। छोड़ छाड़ के भागना कोई बड़ी बात नहीं, कहाँ भागोगे भाई, फिर दोबारा वही आएंगे तुम्हारे पास, कभी ना कभी भुगतनी पड़ेगी हमें, जो भुगतना है हमें भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है। और जब हम अपने आप को इस तरह से, जैसे हलवा पक जाती तो कढ़ाई में लगती नहीं है, कढ़ाई में हलवा जब बनाते हैं, अच्छा हलवा जब पक जाता है तो कढ़ाई में लगती नहीं, इस तरह से हम आ जाते पक जाते हैं जीवन में, तो हमें कुछ नहीं लगेगा ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई आप जिसके साथ आपका बन रहा है रोज रोज जाके बैठो उसे गाली सुनते जाओ, ये नहीं, मगर तेरे मन में इसके प्रति जो द्वेष है, इसके प्रति जो एक विरक्ति है, वो नहीं उसमें लगना चाहिए। ये अपने लिए साधन सामग्री समझो, क्या साधन सामग्री, अनुकूल परिस्थिति तो सबके लिए अनुकूल, उसमें कुछ क्या करना क्या है तुम्हें। प्रतिकूल परिस्थिति को साधन सामग्री बना देते हो तो तुम बस हो गया तेरा काम। अनुकूल परिस्थिति में तो सब फंस जाते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति से भागने की चेष्टा करते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति आपको कुछ अंदर लगे नहीं, उसको साधन सामग्री हम बना लेते हैं, तो बस तुम मजबूत हो गए, ऐसा मजबूत हो जाते हो। फिर कोई नहीं, कोई ताकत नहीं हुई दुनिया में तुम्हारे भीतर नकारात्मकता को भर रहे हैं।